तो दोस्तों फेसबुक की तरफ से एक न्यू अपडेट आपके एक बिग चेंजेज कर देंगे। जैसे कि पहले अगर आप अपने व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को ओपन करते होंगे तो फिर आपको यहाँ पर नीचे में फ्रॉम फेसबुक ये चीज़ लिखी हुई शो होती होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी के टाइम में या फिर आपके एप्लीकेशन में जब ये अपडेट आ जाती है तो फिर आपको यहाँ पर फ्रॉम फेसबुक के जगह पर आपको फ्रॉम मेटा लिखा हुआ शो होगा। तो ये चीज़ दोस्तों आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन तीनों में आपको देखने को मिलेगा, फ्रॉम मेटा। तो दोस्तों ये मेटा क्या है और ये मेटा वाले अपडेट से हम यूजर्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक कन्फ्यूजन जरूर हो रही होगी कि हम लोग जो अपने स्मार्टफोन में फेसबुक एप्लीकेशन यूज करते हैं तो क्या उस फेसबुक का नाम चेंज कर मेटा में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों नहीं, यहाँ पर जो हम लोग फेसबुक एप्लीकेशन यूज करते हैं साथ ही व्हाट्सएप और इंस्टा, तो इन तीनों के जो पेरेंट कंपनी है उसका भी नाम फेसबुक है, तो उसका नाम सिर्फ चेंज हो रहा है यहाँ पर मेटा में। तो दोस्तों इसलिए जैसे ही यहाँ पर चेंज कंपनी का ही नाम मेटा हो जाता है तो इन तीनों एप्लीकेशन में भी आपको मेटा ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आपके एप्लीकेशन में ये अपडेट नहीं आई है अभी तक, आपको मेटा वाली फ्रॉम मेटा ये चीज़ लिखी हुई शो नहीं हो रही, तो फिर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वेट कर लेनी चाहिए जब तक आपके प्ले स्टोर में ये अपडेट आती है ऑफिशियल अपडेट, तो फिर आप अपडेट कर लें। अदरवाइज अगर यहाँ पर आप यूट्यूब पे आते हैं और फिर सर्च करते हैं कि हमें मेटा वाले वर्जन में आपको फेसबुक चाहिए, व्हाट्सअप चाहिए, इंस्टाग्राम, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी और शायद से आपको वहाँ पर किसी वेबसाइट के थ्रू आपको वो डाउनलोड भी करने को सजेस्ट कर दे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको वेट करनी है ऑफिशियल अपडेट की, उसके बाद आपको इन तीनों एप्लीकेशन को अपडेट कर लेनी है जहाँ पर कि आपको फ्रॉम मेटा ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जब ये न्यू अपडेट आ जाती है फ्रॉम मेटा ये चीज़ लिखी हुई शो होने लगती है हम सारे यूजर्स के एप्लीकेशन में, तो फिर हमें और क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलेंगे इन तीनों एप्लीकेशन में। तो दोस्तों ये चीज़ अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है, तो आप लोग वेट करें। साथ ही आपको मैं तब तक के लिए बता दूँ कि बहुत बड़ी न्यू अपडेट आने वाली है और साथ ही थीम भी बदलने वाला है, सो आप लोग वेट कीजिए इस अपडेट का। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को लास्ट में एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि मेटा जो वर्ड है वो कहाँ पर यूज किया जा रहा है, वो क्यों चेंज किया जा रहा है और किस तरह से चेंज होगी और किस एप्लीकेशन में चेंज होगी। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया और साथ ही आपको लास्ट में भी बताता रहूँ ताकि अगर आप लोगों में से किसी को अगर कन्फ्यूजन रह जाती है तो फिर आप अच्छे से समझ सको। तो दोस्तों यहाँ पर जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है, इन तीनों के जो ऑनर है वो एक है और उन्होंने एक कंपनी क्रिएट की है जिसका कि नाम भी फेसबुक रखा था। तो वो जो फेसबुक नाम रखा था उस कंपनी का, उसका नाम यहाँ पर से चेंज करके मेटा रख दिया जा रहा है, इसलिए इन तीनों एप्लीकेशन में भी आपको मेटा दिखने को मिल जाएगी।